पिछले 3-4 दिन से मैं यही सोच रहा था कि व्लॉगिंग के ऊपर जो टॉपिक है अपना कुछ ज़्यादा जम नहीं रहा है, क्योंकि मैं जब भी कुछ टॉपिक सोचता हूँ मुझे लगता है कि सेम बोरिंग टॉपिक जैसा हो रहा है। तो मैं वो कंसिस्टेंसी रखने के चक्कर में मेरे जो कंटेंट है या कंटेंट का जो स्टोरी है उसको मार डाल देता हूँ। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा जो तो बेसिकली अभी मैंने ये सोचा कि मैं अभी क्वालिटी पे भी थोड़ा ध्यान दूं और कंटेंट पे भी ध्यान दूं, ये नहीं कि मैं डेली कुछ व्लॉग डालूं या जल्दीबाजी में अपना वीडियो ज़्यादा डालते रहूं और बस आई थिंक यूट्यूब विल रिकग्नाइज मी, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम जब व्लॉगिंग शुरू करते हैं हमेशा ये एक ट्रायल एंड एरर होता है फेस। मेरा जो पहला जो चैनल है विच इज डीजे नियो का जो चैनल है, इट जस्ट गॉट बूम्ड अप बिकॉज वो कंटेंट क्राइटेरिया ही अलग है। उसमें मैं कैसे भी वीडियोस डालूं, इट्स मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस वेयर मैं सिखा रहा हूँ, दीज आर लाइक ट्यूटोरियल्स क्लासेस ऐसे, उसके कारण सो इट डजेंट मैटर, पीपल आर कमिंग देयर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड दे आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई दे आर सब्सक्राइबिंग ऑल्सो, दैट्स हाउ माई चैनल ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग अप देयर। तो अभी ऑलमोस्ट 30,000 सब्सक्राइबर्स के करीब हो गया, 29,000 आई थिंक सो, और विदाउट मी पोस्टिंग एनीथिंग एनी वीडियोज ऑल्सो राइट नाउ, आई थिंक ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट 6-7 months नाउ आई डिडन्ट इवन पोस्ट मच ऑफ माई वीडियोज, स्टिल माई सब्सक्रिप्शन इज ग्रोइंग देयर बिकॉज उधर ऑलरेडी मेरा बहुत अच्छा खासा वीडियोज पड़ा हुआ है। अब मैं अगर इस चैनल के बारे में बात करूं, ये चैनल का सिचुएशन ही अलग है। मैंने ये चैनल शुरू किया था नॉर्मली हमारा जो है व्लॉग्स करने के लिए, मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगा या कुछ भी जो डेली मेरा स्टूडियो का जो काम रहता है वो सब मैं पोस्ट करूंगा, तो व्लॉग का एक चैनल बन जाएगा और उसके हिसाब से मैं व्लॉग्स डालते रहूँगा और इसको आगे बढ़ाऊँगा। बट आई थिंक इट डिडंट वर्क आउट मच, मैं और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग गया ज़्यादातर वीडियोज़ पर which I am trying to vlog or I'm trying to achieve a better quality of video for my vlogging or better, मैं बताऊँ तो क्या बोलूँ मैं उसको, like अच्छा खासा एक देखिए इधर अटक जाता हूँ मैं because I don't know actually what I'm looking for my vlogs। इस channel में यही एक problem था मुझे, तो मैं बेसिकली यही देख रहा हूँ कि इस चैनल में मुझे सबसे पहले तो देखना चाहिए कि मेरा क्वालिटी अच्छा हो और मेरा वीडियोस जो है एक पर्टिकुलर कलर का हो, रंग का हो, और मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करूँ, उसके बाद जाके मैं अच्छा खासा कंटेंट्स बनाऊँ। आज भी मुझे वो अच्छा खासा कलर प्रोफाइल मिला नहीं है, अच्छा खासा जो है मुझे जैसे चाहिए जो क्वालिटी वो अभी तक नहीं मिला। मैं अभी भी इसी में अटका हुआ हूँ कि यार मैं कैसे अपना जो है कंटेंट बनाऊँ। एक तो कंटेंट आइडियाज़, इट्स नॉट सो इजी टू गेट कंटेंट आइडियाज़। मैंने कोशिश किया था, आई थिंक आई रीच देयर कि मैं हर दिन व्लॉग्स बना सकता हूँ, ये नहीं कि मैं हर दिन व्लॉग्स नहीं बना सकता, मैं बना सकता हूँ व्लॉग्स हर दिन, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन। मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा कि जब मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ यार इसमें क्या है, ये डेली व्लॉग्स का क्या है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं ऐसी फालतू में वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं इधर से चल के जा रहा हूँ, मैं गाड़ी खोल रहा हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ, नहीं यार, आई वॉज नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन व्हाइल आई वॉज मेकिंग माई व्लॉग्स। कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हर व्लॉग में कि दैट आई कैन पास इट ऑन थ्रू पीपल एंड दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माई व्लॉग्स एंड दे कैन गेट द पॉइंट कि हाँ भाई इस बंदे ने ये व्लॉग इसके लिए बनाया है एंड दिस इज लेजिट, यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग। तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं है व्लॉग्स में यार, फिर व्लॉग्स बना के ही क्या फ़ायदा, समझ गया। तो फालतू में हर दिन उठ के मैंने ये कर लिया, मैंने सर दान साफ कर लिया, मैं उठ के 7 बजे मैं ऑफिस गया, 8 बजे मैं वापस शाम को पहुंच गया हूँ घर पे वापस ऑफिस से, यार दिस आर नॉट इन्फॉर्मेशन, दिस आर माई डेली लाइफ स्टाइल। आई नो दैट लाइफ स्टाइल भी एक व्लॉग बनता है, बहुत लोगों के लिए शायद ये लगता होगा कि हाँ यार दूसरे लोग की ज़िंदगी में क्या हो रहा हो वो देखने में मज़ा आता हो, बट आई पर्सनली फील इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं अपना पर्सनल लाइफस्टाइल भी दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को मेरे कंटेंट के ज़रिए, और उसके साथ साथ हर व्लॉग में मैं ये भी चाहता हूँ कि
मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पास करूँ ताकि इट कैन बी यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, लाइक हाउ आई एम डूइंग इन डीजेनियो, विच इज़ कम्प्लीटली अबाउट माई म्यूजिक प्रोडक्शन, कम्प्लीटली अबाउट माई ऑडियो इंजीनियरिंग कोर्सेज, यू नो, उसके जैसे जैसे उसमें मैं कर रहा हूँ, आई फील सैटिस्फाइड व्हेन आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ यू नो व्लॉग इन एज अ ट्यूटोरियल क्लास, यू नो. इसमें पता नहीं यार, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आई एम कन्फ्यूज्ड इन दिस व्लॉग सिनेरियो, स्पेशली व्लॉग्स बाय न्यूज. जब मैंने चैनल शुरू किया था पहले तो मज़ा आ गया, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि इवन माई सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड मच इन कमिंग इन व्लॉग्स. सो हर फैमिली के एक लाइफ स्टाइल रहता है कि भाई हाँ दे आर इंटरेस्टेड, आई कैन नॉट फोर्स देम टू कम इन टू माई व्लॉग्स, राइट. सबका अपने एक टेस्ट रहता है, सबका अपने एक इंटरेस्ट रहता है, तो उसके हिसाब से ही हम अपना ज़िंदगी आगे लेके जा सकते हैं, या कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते हो वो आगे लेके जा सकते हो आप. दोस्तों मुझे मालूम नहीं था अभी तक मैं क्या कर रहा था, मुझे माफ़ करना अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है. और मैं बता भी रहा हूँ मेरे व्लॉग्स में कि भाई मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा वीडियोज़ लेके आना चाहता हूँ, मैं ऐसा वीडियो का जो है क्वालिटी करना चाहता हूँ, कलर देना चाहता हूँ, मैं 4K यूज़ करूँ या 1080p फुल HD यूज़ करूँ, या डेली कंटेंट डालूँ जैसे फ़ोन से मैं व्लॉगिंग करूँ या नहीं. तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग के हिसाब से, तो दिस इज़ माई कम्प्लीटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये नहीं बोल रहा है कि आपका ऐसा होना चाहिए. तो यू कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉगिंग एक्सपीरियंस, विच यू मे बी अ व्लॉगर ऑल्सो. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अभी से मैं क्वान्टिटी पर नहीं क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे व्लॉग्स के ज़रिए मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने हर व्लॉग से आप लोगों के लिए दूँ, ताकि हर व्लॉग कुछ बेहतरीन व्लॉग हो जिसमें सम पीपल कैन गेन समथिंग आउट ऑफ दैट. समझ गया आप, जैसे ट्यूटोरियल जैसा ही हो गया. सोच लीजिए कि अगर मैं आज व्लॉग डाल रहा हूँ, आज मैंने सोचा है एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये जो सेटअप जो है, ये जो सेटअप आपको दिख रहा है, मैंने बताया था आपको पिछले व्लॉग में भी, याविन के लिए मुझे इसके नीचे लाइट्स डालने का था, तो वो लाइट कैसे फिट करूँगा मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ. तो आज का व्लॉग उसके ऊपर है, मैं इधर लाइट फिट करूँगा, मतलब बहुत ही सस्ता लाइट्स है ये जो चाइनीज़ वाले जो बनाते हैं, तो वो फिट करके आज हमको दिखा आप, तो आज वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे फिट कर रहा हूँ और वो लाइट कितने का पड़ा मुझे. देखिए आज का व्लॉग जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ व्लॉग्स आई थिंक आई वॉन्ट टू मेक. तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो ये है याविन का जो है स्टडी टेबल. मेरा टेबल था पहले का, अगर वीडियोज़ में आपने देखा रहेगा, इसका एक एल शेप था जिसको हमने निकाल दिया, मैंने तोड़ दिया उसको, बिकॉज़ ये रूम में ज़्यादा जगह नहीं है. तो मैंने ये टेबल जो है ऐसा बना दिया उसको स्टडी के लिए. मेरा टेबल एक्चुअली आजकल वही यूज़ करता ज़्यादा, मैं तो लैपटॉप में ज़्यादा काम करूँ, सो आई गेव हिम माय कंप्यूटर पीसी बिकॉज ही नीड्स इट मोर. और इसमें देखिए अभी मैंने ये जो है ये लगाया मैंने स्लैब्स, ताकि मेरा सामान भी आ जाए, और ये जो स्लैब्स है इधर ही लगा दिया मैंने ताकि उसके किताब भी आ जाए थोड़ा बहुत. और ये जो है ये देखिए बहुत ही ख़राब दिख रहा है ये जगह जो है पूरा, ये पुराना हमारा ये था उसका टेबल से आधा निकाल के रखा हुआ इधर, तो इसको निकालना है. तो मैं अभी इधर सोच रहा था सेम इसकी तरह ऐसा स्लैब्स जो है मैं इधर लगाऊँ ताकि उसके किताबें अच्छी तरह इधर आ जाए. और देखिए अभी फ़िलहाल हम लोग को इधर लिए सामान सब ऐसे लटकाना पड़ रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड एंड डजेंट लुक गुड ऑल्सो. तो अभी ये थोड़ा डार्क हो गया बिकॉज इधर जो है हमने जो ये लगाया है तो उसकी उधर से लाइट नहीं आ रहा, तो मैं सोचा थोड़ा सा इधर इसके लिए लाइट लगा के दे दूँ. तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा लाइट लिया है. तो ये देखिए ये है, ये चाइनीज़ मार्केट से मिलता है हमको, ये चीप सा लाइट्स है. तो ये बेसिकली इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो ये स्ट्रिप जो है इधर लग जाएगा ऐसा, फिर उसके बाद नीचे भी, तो उसको थोड़ा बहुत लाइट अच्छा खासा आएगा एंड ही कैन चेंज इज लाइटिंग ऑल्सो. तो आज का व्लॉग में हम यही करेंगे कि इसका जो है ये सेटअप ज़रा करके देते हैं आज, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करता हूँ, और इसका टोटल कॉस्टिंग मुझे कितना लगा वो भी बताऊँगा, और ये जो लगाया मैंने इसका भी कॉस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, और कहाँ से लिया है ये भी बताऊँगा आप लोग को. तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा जो भी इन्फॉर्मेशन है. और ये है मैंने ही फिट किया है, हमने कोई बाहर से किसी को नहीं बुलाया, और इसके लिए जो ड्रिलिंग मशीन था वो भी यही जगह से ख़रीदने को मिला है. अभी तो आपको मालूम होगा IKEA हर जगह पे, दुनिया के हर कोने में भी IKEA आ चुका है, अपने दिल्ली में भी है IKEA, बॉम्बे में भी है, तो आप IKEA से भी ले सकते हो. और ऐसे चीज़ें अपने बच्चों के लिए
बना सकते हो। देखिए ऐसा सेटअप मैंने बनाया हुआ, तो इधर भी सामान रखने के लिए, अभी तक हमने सेटअप पूरा नहीं किया, मैंने ये लगा दिया, लेकिन अभी भी उसको देखने का कि उसका सामान कहाँ से रखने का। अभी इधर जो है मैंने अपना कैमराज वैमराज जो है, मेरा वेप का जो है सब सामान मैंने इधर रखा हुआ है, तो ऐसा भी एडजस्टमेंट चल रहा है। और मैंने सोचा कि इधर भी ये दीवार में भी ये हमारा बेड है, सॉरी अब ये हालत उतना ख़राब है, मैं उधर लेटा हुआ था, इधर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा एक सेम ऐसे ही जैसा वाला एक वो लगा दूँ इधर, और उधर भी हम सामान एक्चुअली लगा सकते हैं। एक्चुअली अभी ये फिट तो कर दिया मैंने, लेकिन ये फ्लॉप हो गया क्योंकि उधर तक ही जल रहा है पूरा ऊपर का नहीं जल रहा है, देखिए कुछ भी नहीं जल रहा है। मे भी मुझे लगता है उधर मैंने ये जो है कट गया शायद, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अभी तो इतना ही चल रहा है। तो दोस्तों हमारा जो फिक्सिंग था कम्प्लीटली एक फ्लॉप शो हो गया आज। अभी टाइम कितना हो चुका है यार, तो अभी एक्चुअली 11 बज चुका है। अगर मैं अभी बाहर जाऊंगा तो मैं लेके आ सकता हूँ ये और रात को फिट कर सकता हूँ, लेकिन अब तो मूड नहीं है बाहर जाने का, और देखते हैं कल ट्राई करेंगे हम लोग ये वापस। तो आज का व्लॉग द फ्लॉप शो पोपट हो गया आज, तो कल अब जाएंगे हम लेके आएंगे वापस इसको। मेरे को लग रहा है कि मैंने उसको ख़राब कर दिया वॉइल मोड़ने के टाइम पे, ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ रहता है, तो शायद वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। माय गॉड पूरे पसीने जो डाला था सब वेस्ट हो गया यार। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मैं बिल्कुल वापस कोशिश करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, धन्यवाद।